बिग ब्रेकिंग का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करेंगे जयपुर की खबर, जहां पर एसीबी ने बहुत बड़ा ट्रैप किया है, बहुत बड़ी कार्रवाई की है। गोपाल केसावत को एसीबी ने ट्रैप किया है और इसके अलावा अन्य तीन आरोपियों को भी दबोचा गया है। एसीबी की तरफ से 18.5 लाख रुपए की घूस लेते हुए इनको ट्रैप किया है एसीबी ने। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई लगातार प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग विभागों में, अलग अलग अधिकारियों कर्मचारियों पर हो रही है। रिश्वत घूस लेने की शिकायत मिलने पर या फिर संदिग्ध तरीके से गतिविधियां होने पर एसीबी की तरफ से ट्रैप लगाकर इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को पकड़ा जा रहा है। और इसी कड़ी में गोपाल केसावत को एसीबी ने ट्रैप किया है, अन्य तीन आरोपियों को भी दबोचा गया है। 18.5 लाख रुपए की बड़ी रकम घूस में लेते हुए इन लोगों को एसीबी ने ट्रैप किया है। जयपुर की एसीबी टीम की तरफ से यह बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18.5 लाख रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया है जयपुर में गोपाल केसावत को, और उसके साथ ही तीन और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, दबोचा गया है। 18.5 लाख रुपए की इनकी तरफ से घूस ली गई थी और इसी बड़े मामले में बड़ी रिश्वत लेते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान की तरफ से। और घूसखोर अधिकारियों की अब खैर नहीं, लगातार एसीबी शिकंजा कसता जा रहा है और इसी तरह की कार्रवाई राजस्थान के हर जिले में देखने में सामने आ रही है। सरकारी विभागों में जो कर्मचारी अधिकारी रिश्वत लेते हैं, जिनकी शिकायत एसीबी तक पहुंचती है या एसीबी को उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं रिश्वत के मामले में, घूस के मामले में, तो उनके खिलाफ बाकायदा ट्रैप बिछाया जाता है। उनको फिर इसी लिहाज से पकड़ने की ये कार्रवाई लगातार चल रही है। आरएएस भर्ती को लेकर ये रिश्वत मांगी गई थी। तो एक और बड़ी टिप यहां पर आ रही है, एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो गोपाल केसावत और बाकी तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, आरएएस भर्ती के लिए इन्होंने इस बड़ी रकम को मांगा था। तो गोपाल केसावत को इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया है, यानी आरएएस की भर्ती का वो दावा कर रहे थे। अब ये अपने आप में एक बड़ा मामला इस लिहाज से भी बन जाता है कि न सिर्फ बड़ी रकम की राशि इनसे, इनकी तरफ से घूस में ली जा रही थी, बल्कि दूसरी ओर इनका ये भी दावा था कि आरएएस भर्ती में वो मदद करेंगे, भर्ती करवा देंगे, और ये दावा भी उनकी तरफ से किया गया था। तो ये जांच का दायरा और भी अब बड़ा होना चाहिए इस खबर के संबंध में अगर देखा जाए तो, चूंकि ये एक बड़ा मामला किसी सरकारी या फिर विभागीय काम को कराने के लिए नहीं, बल्कि नौकरी के एवज में, ये कहें कि आरएएस में भर्ती के लिए ये रिश्वत ली जा रही थी और इसी संबंध में ये ट्रैपिंग की कार्रवाई की गई है। 18.5 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है, आरएएस की भर्ती को लेकर यह रिश्वत मांगी गई थी। जयपुर में यह मामला सामने आ रहा है। घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं गोपाल केसावत, जिन्हें ट्रैप किया गया है। 18.5 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इन्हें ट्रैप किया है। दलाल रविंद्र समेत अन्य लोगों को भी एसीबी की तरफ से पकड़ा गया है। आरएएस भर्ती को लेकर इन्होंने रिश्वत ली थी। कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। एएसपी बजरंग सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो अपने आप में जयपुर से बड़ी खबर आ रही है सामने निकलकर, जिस तरीके से लगातार आरोप लगते हैं कि भर्तियों में घोटाला, फर्जीवाड़ा होता है, रिश्वतखोरी चलती है, उसी संबंध में जानकारी निकलकर सामने आया। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विष्णु, विस्तार से बताएं इस खबर के बारे में। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पूरा मामला है वो सीकर के एसीबी से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरपीएस में भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपए। जरा क्लियर कीजिएगा, आरएएस या आरपीएससी? देखिए, आरपीएससी में जो मुझे अभी तक जानकारी है, आरपीएससी में यानी आरएएस की ही जो भर्ती है, क्योंकि इंटरव्यू होना आरएएस का बाकी था, ऐसे में आरपीएससी में आरएएस के जो एग्जाम होने हैं, तो आरएएस के एग्जाम में भर्ती करवाने के नाम पर लाखों रुपए के रिश्वत का एक खेल था, जिसमें परिवादी ने सीकर एसीबी में एक मुकदमा, एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद एसीबी ने दलाल रविंद्र कुमार, उसके अलावा अशोक और ब्रह्म कुमार को गिरफ्तार किया। 18.5 लाख रुपए की रिश्वत की आरोपी, यानी जो मुख्य दलाल था रविंद्र कुमार,
वो पहले हासिल कर चुका था रिश्वत की रकम 18.5 लाख रुपए, जिसके बाद में जो दूसरी जो आरोप परिवादी था उसने बताया कि इस खेल के अंदर पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत भी शामिल हैं। ऐसे में आज एक ट्रैप एसीबी ने रखा जिसमें सीकर की एसीबी की टीम जयपुर पहुंची और उसके बाद में जयपुर एसीबी के साथ मिलकर के जिसमें सीकर एसीबी के डिप्टी एसपी राजेश जांगीर की टीम शामिल थी, वहीं पर जयपुर एसीबी की टीम के एडिशनल एसपी बजन कुमार सिंह की शेखावत को भी शामिल किया गया। और आखिरकार दोनों टीमों ने मिलकर के सबसे पहले दलाल रविंद्र, उसके अलावा अशोक और ब्रह्म कुमार को पहले ट्रैप किया, गिरफ्तार किया और उसके बाद प्रताप नगर कुंभामार्ग में रहने वाले पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत को गिरफ्तार किया गया। आज 7.5 लाख रुपए की रिश्वत प्राप्त की गई थी, वहीं पर इसके पहले 18.5 लाख रुपए परिवादी से ये लोग हासिल कर चुके थे। तो पूरा जो मामला है वो लाखों रुपए की रिश्वत का मामला है और आरपीएससी में आरएस की भर्ती में सेलेक्ट कराने के बहाने रिश्वत की रकम ली गई थी। तो जो कार्रवाई है वो सीकर एसीबी के बाद सीकर एसीबी के ने आज जयपुर में रेड की, जयपुर की एसीबी की टीम को शामिल किया गया और आखिरकार पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य दलाल रविंद्र कुमार भी शामिल था। तो 18.5 लाख रुपए की रिश्वत आरोपी पहले परिवादी से ले चुके थे और आज 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए 4 आरोपियों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। जी तो मतलब देखा जाए तो 26 लाख कीमत है यहाँ आरएएस में भर्ती की और जैसा कोई ग्राहक मिलता होगा उसी लिहाज से होती कि तब तो दायरा और बढ़ेगा। ये सिर्फ एसीबी का मामला तो रिश्वत लेने देने तक सीमित होता है, लेकिन अब भर्ती में जिस तरीके से ये नाम सामने आ रहा है तो जाहिर तौर पर इससे पहले भी इस तरह की भर्ती की गई होंगी और भी परिवादी सामने निकल कर आ सकते हैं। जांच का दायरा जाहिर तौर पर विष्णु शर्मा बड़ा होना चाहिए। देखिए रविंद्र, मैं आपको बताऊंगा कि इसके पहले भी इसी एसीबी की टीम ने आरपीएससी यानी कि आरएएस में भर्ती कराने के नाम पर एक गैंग को पकड़ा था, ट्रैप किया था, जिसमें 25 लाख रुपए की डमी करेंसी देकर के एसीबी ने इस ट्रैप को किया था और 2 से 3 लोगों को उस वक्त में गिरफ्तार किया गया था जिसमें आरपीएससी का कर्मचारी भी शामिल था। उसके बाद आप देखेंगे कि आरपीएससी के सेकंड पेपर जो ग्रेड के जो पेपर लीक कराने का मामला सामने आया जिसमें आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कटारा खुद गिरफ्तार हुआ। तो आप देख सकते हैं कि आरपीएससी में पारदर्शिता क्या है, लेकिन इस पूरे मामले में अब एसीबी ये भी जांच करेगी कि क्या वाकई में क्या आरपीएससी में यानी कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसके साठ गार्ड करके ये आरोपी परिवादी को आरपीएससी में यानी कि आरएस परीक्षा में सेलेक्ट कराने के लिए उसको लाखों रुपए की रिश्वत से मांग रहे थे। 18.5 लाख रुपए पहले ये वो लोग वसूल कर चुके थे और आज 7.5 लाख रुपए लेते हुए परिवादी से आज जो है पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया। लेकिन एक बार फिर से मैं साफ कर दूं कि परिवादी ने इस संबंध में स्पीकर एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी जिसकी जांच डिप्टी एसपी राजेश जांगीर को सौंपी गई और आखिरकार दलाल रविंद्र, उसके अलावा अशोक और ब्रह्म कुमार को गिरफ्तार किया गया। जब तीनों को 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया उसके बाद चौथा आरोपी जो कि पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत रहा है उसको आज एसीबी ने जयपुर में गिरफ्तार किया है और अब चारों आरोपियों को लेकर के एसीबी की टीम इस वक्त जयपुर के एसीबी मुख्यालय में मौजूद है, वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीकर एसीबी की करेगी। तो दोनों जयपुर सीकर एसीबी को शिकायत मिली थी, परिवादी ने जो शिकायत है वो सीकर एसीबी को दी थी, जिसके बाद आज जयपुर एसीबी के साथ मिलकर के इस ट्रैप की वारदात को ट्रैप को जो एसीबी ने अंजाम दिया। जी विष्णु, बिल्कुल यही जानना चाह रहे हैं कितना ऑर्गेनाइज रूप से ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा किया गया, रिश्वतखोरी की गई है, बाकायदा दलाल नियुक्त हैं, दलाल परिवादियों से जाकर सेटिंग करते हैं, उनको ढूंढते हैं, फिर उसके बाद एक रकम तय होती है, वो रकम दलाल के हाथों में आती है, दलाल उसको आगे ट्रांसफर करता है। केशावत जो आरोपी इस रूप में सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, पूर्व मंत्री आप बता रहे हैं, घुमंतू बोर्ड के भी बताए जा रहे हैं कि पूर्व वो कुछ रहे हैं और फिर आगे कहीं ना कहीं कनेक्शन और लिंक आरपीएससी तक भी जाता होगा। गोपाल केशावत ने आरपीएससी में ही किसी ना किसी के साथ सांठ गांठ की होगी तभी, या फिर या ये बात हो सकती है कि ये लोग किसी को झांसे में देकर बस पैसे ही ऐंठते होंगे, काम नहीं कराते होंगे, दो चीज निकल कर आ सकती है सामने। देखिए, जब परिवादी ने लाखों रुपए की रिश्वत इन आरोपियों को सौंपी तो कहीं ना कहीं निसंदेह रूप से इन आरोपियों ने अपनी कहीं ना कहीं कोई इतनी बड़ी पहचान है जैक वहां पर उसको आरपीएससी में बताई थी ताकि परिवादी उनके बिल्कुल झांसे में आ गया और आखिरकार उसने 18.5 लाख रुपए की रिश्वत जो थी पहले उनको दे दिया था दलालों को। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा एक जो गैंग है वो काम कर रहा है, लेकिन इसी की जांच अब एसीबी करेगी क्योंकि 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं जिसमें पूर्व राज्य मंत्री जो कि घुमंतू प्रकोष्ठ का जो चेयरमैन रहा है, उस बोर्ड का अध्यक्ष रहा है। तो ऐसे में 4 आरोपियों से गहनता से पूछताछ के बाद ये
क्लियर होगा कि क्या ये सिर्फ झांसा देकर ही 18.5 यानी ये करीब 26-27 लाख रुपए की रिश्वत वसूल चुके थे, या फिर इनकी अब आरपीएससी में भी कोई पैट वहां पर है, जमी हुई है, जिसके माध्यम से ये लोग किसी परिवादी से आरएस बनाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे। तो एसीबी की जांच अभी इधर ही घूमेगी, लेकिन बड़ी बात है कि बड़ा ट्रैप आज जयपुर में किया गया है। और इसके पहले भी यदि गोपाल केशवत की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका हमेशा एक विवाद उनके साथ जुड़ा हुआ रहा है, और आखिरकार आज एक बार फिर से एसीबी ने गोपाल केशवत को गिरफ्तार करके ये खुलासा कर दिया है। जी, परिवादी की तरफ से क्या ये पता चल पाया है कि ये किस साल की या किस सेशन की भर्ती का मामला है, कब के लिए था ये जो डील हुई थी? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि अब 2021 का जो आरएस का जो भर्ती का जो एग्जाम था उसकी हाल ही में इंटरव्यू जो थे वो शुरू हो गए हैं। तो क्योंकि परीक्षा पहले मेन मुख्य परीक्षा थी वो पहले हो चुकी थी, लेकिन उसका इंटरव्यू का इंतजार था, और अब जो इंटरव्यू का सेशन शुरू होगा, इसी इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिलवा करके उसके बाद चूंकि मुख्य परीक्षा का जो परिणाम रिजल्ट घोषित होना था, तो ऐसे में जो दलाल था रविंद्र, उसने सबसे पहले परिवादी से संपर्क किया, उसको पैसा उसको कहा कि तुम्हारा जो इंटरव्यू में अच्छे नंबर तुमको दिलवा देंगे, उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन भी आरएस की परीक्षा में हो जाएगा। तो ऐसे में गोपाल केशव का नाम भी लिया गया। तो इसीलिए जो अब तक की जानकारी है कि सबसे पहले एसीबी ने दलाल रविंद्र को 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया, उसके दोनों साथियों को पकड़ा, और उसके बाद में जब तीनों से पूछताछ हुई उसके बाद गोपाल केशवत का नाम सामने आया, और आखिरकार एसीबी ने सेक्टर 9 में कुंभा मार्ग में रहने वाले जयपुर के प्रताप नगर में रहने वाले पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त गोपाल केशवत को भी ट्रैप किया है। जी विष्णु, आपके सोर्सेस से जो जानकारी रविंद्र राम के इस बिचौलिए या दलाल और उसके दो सहयोगियों की मिली हो, थोड़ा उनकी जानकारी भी शेयर कीजिए, और दूसरा ये पूर्व मंत्री गोपाल केशवत जिनका जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा उनके भी बायोडाटा पर नजर डालिएगा, उनकी भी जानकारी दीजिएगा। देखिए अभी तक इस पूरे मामले में रविंद्र के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि चूंकि सीकर का ही ये लोग रहने वाले, परिवादी भी सीकर में थे, इसीलिए इस पूरे मामले की जो जांच थी, शिकायत थी, वो सीकर में एसीबी में दर्ज करवाई गई थी। लेकिन यदि गोपाल केशवत की बात करूंगा तो गोपाल केशवत के ऊपर पहले भी हथकड़ शराब बनाने के मामले दर्ज है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हाँ, पिछले दिनों कुछ महीनों पहले मैं विष्णु रोक रहा हूं आपको, देखिए लवली भी हमारे लवली बदवास दूसरे संवाददाता सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी इस खबर पर अपडेट जरूर होगी, उनसे जानकारी लेंगे। लवली बताएं, आपके पास इस मामले पर क्या अपडेट आ रही है? देखिए बिल्कुल, गोपाल केशवत को ट्रैप करने के बाद में अभी जो जानकारी मिली है वो जानकारी यही है कि एक आरएस भर्ती को लेकर के जो दलाल रविंद्र के साथ में इसे पकड़ा गया है, पूरे के पूरे मामले में ये सामने ये आ रहा है कि आरएस भर्ती के अंदर जो पैनल मौजूद है उस पैनल के नाम पर गोपाल केशवत इस अभ्यर्थी से रिश्वत की डिमांड कर रहा था, और ये कहा गया था कि तुम्हारे को आरएस के इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिलाऊंगा, ना केवल अच्छे नंबर बल्कि पोस्टिंग की तक की जिम्मेदारी जो है, बोले सरकार हमारी है, सत्ता हमारी है, तो एक बेहतरीन स्थान पर आपको पोस्टिंग भी दिलाने की बातें जो है, वो इस तरह की चीजें जो है वो जानकार सूत्र जो है एसीबी के उनके हवाले से सामने आ रही है। बड़ी बात यह कि गोपाल केशवत राज्य मंत्री के दर्जे पर रह चुके हैं, हालांकि उनके खिलाफ कई लेन देन के और कई अलग अलग तरह के मामले भी दर्ज हैं प्रतापनगर और आसपास के थानों में जयपुर के ईस्ट जिले के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आरएस भर्ती 2021 के इंटरव्यू बमुश्किल तरीके से अब शुरू हो पाए, उसमें सरकार के कांग्रेस के एक पदाधिकारी के रूप में गोपाल केशवत कांग्रेस के अंदर सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, न केवल काम करते हैं बल्कि कांग्रेस का झंडा मजबूत करने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्ग के लोगों को लेकर के भी कांग्रेस की सभाओं में जाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई एसीबी ने की है, सरकार की मंशा साफ है कि पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो, और ठीक इसी प्रकार से एसीबी की टीम ने अभी प्रारंभिक रूप से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूरी जानकारी जो एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह अब से कुछ देर बाद में मीडिया ब्रीफिंग के अंदर देंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कार्यवाहक डीजी है हेमंत प्रियदर्शनी, उनके डायरेक्शंस पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, और कार्रवाई के दौरान दलाल रविंद्र जो कि सीकर का बताया जा रहा है, उनके साथ में कुछ अन्य लोग भी हैं जो इस पूरे मामले के अंदर सीकर से जयपुर और यह पूरी डीलिंग जो चल रही थी उस पर पूरी नजर थी, एसीबी की लगातार नजर रखी जा रही थी कि इस पूरे मामले में कि आखिरकार कौन किस तरीके से कब कब बात कर रहा है। दलाल रविंद्र के साथ में अशोक और ब्रह्म कुमार नाम के दो व्यक्ति हैं जिन्हें भी पकड़ा गया है। रविंद्र के पास 7.5 लाख रुपए की रिश्वत मिली है, और जो कुल चार घूसखोर जो है वो मिले हैं आरपीएससी के नाम पर। ये सभी लोग जो थे आरपीएससी में भर्ती को लेकर के ये लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे, और उस डिमांड के आधार पर एसीबी को ट्रैप हुआ, और जो पीड़ित परिवादी है जिसने ये पूरी जानकारी एसीबी को दी है उसने अपना नाम एसीबी ने अभी फिलहाल गोपनीय रखा है, मगर एसीबी मुख्यालय के अंदर सभी को भेजा गया है, और एसीबी मुख्यालय के अंदर सभी को लेकर के आया जाए।
चलती सड़क पर ये लोग कार के अंदर बैठ करके पूरी डीलिंग को अंजाम दे रहे थे। एसीबी की टीम इनके पीछे फिल्म स्टाइल में लगातार घूम रही थी और ठीक इसी स्टाइल के अंदर जो है पुलिस ने इस पूरे एसीबी की टीम ने इस पूरे ट्रैप को अंजाम दिया है। लगातार जो डीजी कार्यवाहक डीजी है हेमंत प्रियदर्शनी उनकी पूरी टीम इस पर नजर बनाए हुए थी और बजरंग सिंह जो कि एसीबी के एक माहिर अफसर माने जाते हैं, गोपनीय इंटेलिजेंस के मामले में उनकी महारत हासिल है, उनके निर्देशों पर उनके नेतृत्व में इस पूरे एक्शन को अंजाम दिया गया है। जयपुर शहर के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर ये गाड़ी लेकर घूमते रहे, डीलिंग चलती रही, मोल भाव होता रहा, आरपीएससी को बेचा जा रहा था, आरपीएससी के इंटरव्यू के पैनल में जो लोग मौजूद थे उन्हें बेचा जा रहा था और उन्हें बेचने के साथ साथ में ही उनकी डीलिंग की जा रही थी कि आखिरकार किस पैनल के अधिकारी को किस सदस्य को कितना पैसा जो दिया जाएगा और उस पैसे के आधार पर ही जो है आरएएस का सिलेक्शन होगा। इस तमाम तरह की डीलिंग के रिकॉर्ड जो अभी तक अनौपचारिक जानकारी हमारे सामने है, औपचारिक रूप से डीजी जो है वो जानकारी देंगे। एसीबी मुख्यालय में सभी लोगों को लाया गया है, एसीबी मुख्यालय में इस वक्त पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। अब थोड़ा सा इसको हम चाहेंगे और इसको खुलकर आप ये बताएं कि जो गाड़ी अलग अलग जगहों पर घूम रही थी इसमें क्या जो दलाल रविंद्र और उसके दो साथी थे और जो परिवादी वो थे मौजूद और क्या केशावत भी उसमें थे, मतलब ये पांचों लोग मौजूद थे उस दौरान कार में। 18.5 लाख रुपए पहले बताया जैसा विष्णु ने अभी कि दिए जा चुके थे और आज 7.5 लाख रुपए के साथ पकड़े गए, थोड़ा ये क्लियर कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, ठीक इसी प्रकार से पूरा का पूरा काम हुआ है। 18.5 लाख का लेन देन पूर्व में हो चुका है, 7.5 लाख का लेन देन आज होना था और करीब 7.5 लाख रुपए की राशि 500 के नोटों की गड्डियां जो है वो इनके पास में मिली है। सारा पैसा नकदी में पाया गया है, कुछ चेक्स और कुछ कागज भी साइन कराने की जानकारी मिल रही है और इस पूरे खेल के अंदर दलाल रविंद्र अशोक और ब्रह्म कुमार जो थे वो पीड़ित को लेकर के आए थे गोपाल केसावत के पास में और ये बात कही गई थी कि गोपाल केसावत सरकार का करीबी आदमी है, सरकार के अंदर इनकी उठ बैठ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के आरपीएससी से लेकर के तमाम जगह इनकी पहुंच है और इस पहुंच का उपयोग करते हुए वो उसे आरएएस की इंटरव्यू में उसे निकालेंगे और उसे आरएएस अफसर बनाएंगे और उसे बेहतरीन क्रीम पोस्टिंग दिलाएंगे ताकि वो सरकार के धन को और जनता के धन को चूना लगा सके। लेकिन इस पूरी मंशा पर जो है वो पानी फिर गया, पीड़ित जो था उसका ईमान जागा, वो एसीबी के पास गया और उसने पूरे मामले बिल्कुल लवली आपका रोक रहा हूँ मैं इधर। किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद। किरोड़ी लाल जी आपका न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है। सर, गोपाल केशावत जी घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, राज्य मंत्री का दर्जा होता है, वो सड़क पर घूमते हुए 2-3 दलालों के साथ थे बताया जा रहा है अभी तक की जानकारी में, 7.5 लाख रुपए के साथ ट्रैप हुए हैं। उसको पांच छह दिन पहले मैंने पत्रकार वार्ता की थी, मैंने ये बताया था कि आरएस स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दी, रिटायर्ड व्यक्ति को चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया और 9 नाम मैंने बताए थे निजी कॉलेज जिनके उनको कॉपी चेक करने की जिम्मेदारी दे दी। तो ये चारों तरफ से आरपीएससी की इंटेग्रिटी खत्म हो गई है और जो केशावत जिसको कह रहे हैं रेंड हैंडेड पकड़ा है 7.5 लाख रुपए देके, तो ये प्रमाणित है, मैंने जो आरोप लगाए सही है कि सब वहाँ बिखरे सारा पैसे दे दे के आर एस बन रहे हैं। तो क्या आखिर में होगा इस प्रदेश का, कैसे अधिकारी जाके सिलेक्ट नहीं केरला जी, ये तो देखिए नो जीरो टॉलरेंस है सरकार की कि अपने आदमी हो या कोई भी आदमी हो कोई बख्शा नहीं जाता, वो पकड़ा जाता है। देखिए राजस्थान सरकार की एसीबी ने पकड़ लिया, जीरो टॉलरेंस। पर ये जीरो टॉलरेंस एकाध लोग मामले में दिखाई जाती है, दिखाने के लिए जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार के नाम पर फुल टॉल वो है पूरा चल रहा है, दिखावा का जीरो टॉलरेंस है। दिखावा को तो डीपी चारोली भी कर दिया, वो कटारा भी कर दिया, अब प्रोफेशनल जल जीवन मिशन में क्या किया, 200 करोड़ की फाइलें का सेक्रेटरी से कर डाली। तो मैंने माइंस का घोटाला 66,000 करोड़ का किया, DOIT का किया, क्या की उनके खिलाफ कार्रवाई, दिखावे में एक दो कार्रवाई करके कह देते हैं जीरो टॉलरेंस का हमारा, पर ऐसा नहीं है, बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ है। सांसद जी देखिए 2021 की या आरपीएससी की आरएएस की परीक्षा, अब इंटरव्यू होने थे, बोर्ड गठित होना था, अब आप कैसे देखते हैं? पहली तो बात यह कि ये इन लोगों की तरफ से जो बात सामने आ रही है, कहा गया कि भाई जो बोर्ड बैठेगा उसमें हम जानते हैं आपकी भर्ती करा देंगे और उसके बाद भर्ती के बाद जो नियुक्ति होगी वो भी मलाईदार ओहदे और पोजीशन पर जगह पर आपकी करेंगे ताकि जो आप खर्चा कर रहे हो वो आप वसूल भी सको। तो चौहर करप्शन है, मैं आपको कह रहा हूं ना, जो जब जब जब, जब मैंने कहा था भाई फुल बोर्ड की जो टीम होती है वो तय करती है इंटरव्यू, लेकिन 3 ही मेंबर है और
ये जब तक ये आरपीएससी में मेंबर के नॉमिनेशन में दखल बंद नहीं होगा यूपीएससी की तरह, तब तक ये भ्रष्टाचार, नियुक्तियां, पैसे लेकर आरएस बनाना, सब इंस्पेक्टर बनाना, सब कुछ चलता रहेगा। पारदर्शिता नहीं। ये तो परिवादी एक आए सामने जिन्होंने शिकायत की और फिर एसीबी को टिप मिला, उन्होंने ये कार्रवाई दी। अब ऐसे परिवादी भी तो होंगे जो ये चाहते थे कि भाई हमारा काम बन जाए पैसे देकर, वो शायद सामने नहीं आते हों। बहुत सारे होंगे, आपको पता है रीट में वो सामने लोग नहीं आए जो जिन्होंने पैसे दिए 10-10 लाख रुपए, और वो जो सामने आते तो एसओजी उनको अंदर डाल देती, पर एसओजी ने वो काम नहीं किया कि आखिर में पेपर किसने लीक किया, मतलब जो मगरमच्छ है उसको नहीं पकड़ा, जिनको पेपर मिला उनको पकड़ती रही, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है जांच एजेंसियों का, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई चाहे कितना ही बड़ा हो उसको पकड़ना चाहिए। तो किरोड़ीलाल जी देखिए 18.5 लाख की बात सामने आ रही है, जैसा परिवादी ने बताया कि 18.5 लाख रुपए पहले दे दिए थे और आज 7.5 लाख रुपए के साथ रेड हैंडेड पकड़े गए, मतलब इनको जोड़ लीजिए 18.5 और 7.5 को तो ये 26 लाख हो गए। तो 26 लाख में आरएएस में भर्ती, ये ठीक ठाक रेट है क्या आपको लगता है? ये 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए सब इंस्पेक्टर की है, 25-30 लाख रुपए आरएएस की रेट है, ये रेट तय है दलालों की। अब ये बड़ा मामला जब सामने आया है तो किरोड़ीलाल मीणा लगातार भ्रष्टाचार और इस तरह के मामलों को उजागर करते रहे, बात सामने लाते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं, अब ये जब चीज सामने आई है तो किरोड़ीलाल मीणा का क्या कदम होगा, अगर बीजेपी का क्या कदम होगा? मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया था इंटरव्यू होने से एक दिन पहले कि मुख्यमंत्री जी मैं ये प्रमाण दे रहा हूं, पहले इनकी जांच करा लो तब इंटरव्यू चालू करो, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई, ये स्थिति इन्होंने इंटरव्यू चालू कर दिया, तो ये स्थिति तो होनी थी जो आप बता रहे हो, 18 लाख पहले ले लिए, 7.5 लाख रुपए रेड हैंडेड एसीबी ने पकड़ लिया, ये बात सच थी, यही कह सकता हूँ। और मुख्यमंत्री जी को अब भी ये इंटरव्यू रोके, फुल बेंच के ढंग से सिंसियर लोगों के से इंटरव्यू करानी चाहिए, ये सब लुटेरे बैठे। मैंने सुरोत्री पर भी आरोप लगाए थे, पता नहीं मुख्यमंत्री जी उनको क्यों नहीं हटाते, वो भी सांसद जी आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि 2021 की जो परीक्षा हुई अब इंटरव्यू होने हैं तो उसको फिलहाल रोकना चाहिए और पूरी प्रक्रिया को साफ सुथरा करना चाहिए, आप ये मांग रखते हैं? मैंने मांग रखी है मीडिया के सामने, मैंने ये भी कहा था कि शिव सिंह राठौड़ ने जो ट्वीट किया 10 नंबर का था वो ज्योग्राफी का वो ट्वीट जो किया वो पेपर में आ गया, जो पेपर बना रहा है वो ट्वीट करके पेपर को लीक कर रहा है, शिव सिंह राठौड़ के कार्रवाई हुई कुछ नहीं हुआ, इसलिए मुख्यमंत्री से फिर निवेदन करूंगा आपके चैनल के जरिए कि आप बहुत ईमानदार लोगों को इसमें लगाओ, ये रोको, लूट हो रही है, इस तरह लोग आरएस बनेंगे। आप सीजन पॉलिटिशियन हैं, ये गोपाल केशावत जी को आप किस तरह से राजस्थान की राजनीति में उनके किरदार को और उनकी भूमिका और उनके योगदान को जानते हैं? मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, पर जो भी ऐसे लोग आ रहे हैं राजनीति में जिनको बोर्ड निगमों में आरपीएससी में बैठाया जा रहा है वो ज्यादातर का करेक्टर संदिग्ध है। ये गोपाल केशावत जी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो बिचौलिए थे उन्होंने गोपाल केशावत जी से मुलाकात कराई और ये हवाला दिया कि गोपाल केशावत जी के जानने वाले बोर्ड में बैठेंगे जी, तो ये आपको क्या लगता है कि ये सही में इस तरह की बात रही होगी या फिर कहीं ना कहीं पैसे वसूलने के लिए इसी तरह की कहानी गढ़ दी गई होगी कि पैसे आ जाए और उसके बाद फिर पलट जाए? नहीं तो जांच का विषय है, देखो कई बार क्या होता है कि ये दलाल पैसे भी इकट्ठे कर लेते हैं, सिलेक्शन हो गया तो अपनी जेब में नहीं हो तो कुछ पैसे वापस कर देते हैं, लूटते हैं बेरोजगार बच्चों को, कई लोग ऐसे भी होते हैं, ये लूट बंद होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इसका गहन चिंतन करना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा जी न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किरोड़ीलाल मीणा साफ तौर पर कहते हुए कि जो आरएएस की परीक्षा के इंटरव्यू हो रहे हैं इनको फिलहाल रोककर पूरी प्रक्रिया को पहले देख लिया जाए, उसको साफ सुथरा कर लिया जाए, क्योंकि अगर इस तरह के मामला ये सामने आ रहा है तो फिर ये कई सारे सवाल खड़े करता है और अभ्यर्थियों के मन में जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं शंका भी पैदा करता है। तो अब तक जो जानकारी और खबर निकल कर सामने आई है उसको लगातार हमने आपको बताया कि आज जयपुर की सड़कों पर लगातार एक वाहन घूमता रहा अलग अलग जगहों पर और एसीबी की टीम को पहले से ही पता था कि आखिर क्या खेल इस गाड़ी के अंदर चलती सड़क पर चल रहा है। बात निकल कर जो सामने आई है उसके मुताबिक सीकर एसीबी ने जयपुर
एसीबी के साथ मिलकर ये ट्रैपिंग की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तीन दलाल, मुख्य तौर पर रविंद्र नाम का एक दलाल, उसके दो सहयोगी और घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत गाड़ी में घूम रहे थे और उस गाड़ी में परिवादी, जिसने आरोप लगाया एसीबी से, शिकायत की कि 18.5 लाख रुपए उसने आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आरएएस परीक्षा के एवज में दिए थे और उसके बाद 8.5 लाख रुपए देने की डील हुई थी और उसी पैसे को चुकाने के लिए 500-500 रुपए के नोट थे जिनको देने के लिए बातचीत चल रही थी चलती गाड़ी में ही। और फिर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और बात निकलकर सामने आई कि दलालों की तरफ से, बिचौलियों की तरफ से कहा गया कि गोपाल केशावत के जानकार आरएएस के जो परीक्षा 2021 में आयोजित हुई थी उसका जो इंटरव्यू अब आगे आने वाले दिनों में होना है, उसके इंटरव्यू में वो जानते हैं और न सिर्फ वो इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिला देंगे, नौकरी सुनिश्चित करा देंगे, बल्कि इसके बाद जब पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग भी बेहतर से बेहतर ऐसी जगह पर करा देंगे जहां पर मलाई खाने का पूरा मौका मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें आई हैं अभी आधिकारिक तौर पर, एसीबी की तरफ से क्या कुछ बातें कही जाती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक पहलू ये भी कि जीरो टॉलरेंस के तहत ये कार्रवाई हो रही है और दूसरा पहलू ये कि इस तरीके से ये तमाम चीजें आ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर, महत्वपूर्ण इस डेवलपमेंट पर महिमा हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं। महिमा, आप क्या खबर और तस्वीरें दिखा रही हैं इस वक्त, बताइएगा दर्शकों को, बहुत बड़ी खबर है। महिमा लाइव है आपका फ्रेम, देखिए जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 18 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है और गोपाल केशावत सहित चार लोगों को जो है ट्रैप किया गया है और उनको अब हिरासत में भी ले लिया गया है। जल्द ही पुलिस जो है इन लोगों पर भी कार्रवाई करेगी। और वहीं मैं आपको बता दूं, ये आरपीएससी में भर्ती करवाने के लिए घूस लेते हुए पकड़े गए हैं और बजरंग सिंह जी ने जो है इन पर इनको ट्रैप किया है। और अब जो है चारों आरोपी आपके सामने, यहाँ पर कैमरे के सामने भी हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर बजरंग जी भी होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। और यहाँ पे बड़ा जो देखा जा रहा है वो ये है कि पूर्व राज्य मंत्री जो है गोपाल केशावत इस मामले में इंक्लूडेड है। उन्होंने जो है 18.5 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया है। तो ये जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर चारों आरोपी आ चुके हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ जो है बजरंग जी भी मौजूद होंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। फिलहाल अभी तक यही पता चल पाया है, एसीबी ऑफिस में लेकर आए ना अभी। महिमा एक बात क्लियर कीजिए और बजरंग जी से बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम बजरंग जी कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे, उससे पहले जो है यहाँ पर मौके पर आरोपी मौजूद है, उनसे भी हम जो है बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्या इनका कहना है। देखिए, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इन तीनों लोगों को नहीं जानता और मेरे घर पे ये रविंदर आता, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इसको पूर्व में जरूर जानता था, लेकिन मुझे आज की मेरी कॉल डिटेल देखी जाए कि मैंने अगर मेरे घर पे भी आए हो 5 साल के अंदर और मैंने कोई इनसे बात भी कर ली हो इस मामले की, तो बिल्कुल मैं मुलजिम हूँ। लेकिन जिस तरीके एसीबी ने मुझे जबरदस्ती फंसाया है और मैंने उच्च अधिकारियों का, मेरी बात करवाइए, मेरी जांच करिए, मैं अगर इसमें मुलजिम हूँ तो आप बताइए किस आधार पे, मेरा कोई लेना देना। केशावत जी, मेरी आवाज सुन रहे होंगे, यहाँ मैं न्यूज 18 राजस्थान के स्टूडियो से बोल रहा हूँ, आपसे सवाल है कि क्या आप सभी एक ही कार में सवार थे? ये आके बैठा घर पे, मैंने लंच कर रहा था, मैंने बात तक भी नहीं किया। सर, लेकिन एसीबी ऐसी ही कार्रवाई नहीं करती। बिल्कुल षड्यंत्र, मेरा राजनीतिक करियर, मैं भी सापुरा बनेड़ा से कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट का दावेदार हूँ। इससे पहले भी आप विवादों में रहे हैं और आप मैं किसी विवाद में नहीं रहा हूँ, मेरे साथ में राजनीतिक षड्यंत्र आज तक चार्जशीट नहीं है, चार्जशीट नहीं हुई मेरे पर राजनीतिक षड्यंत्र, दलित होने के नाते मेरे पर पूरा राजनीतिक षड्यंत्र जिस तरीके से किया जा रहा, दूध का दूध पानी होगा, मुझे मेरे न्यायालय पर भरोसा है और बिल्कुल मेरी जांच की जाए, मेरा कॉल डिटेल देखे जाए, फुटेज देखे जाए, जो बंदे हैं मेरे घर पे कैमरे लगे हुए, कितनी बार आए हैं, कहाँ मिले हैं मेरे से, कहीं ट्रांजेक्शन हुआ है तो मेरे सामने दिखाएं, जबरदस्ती ऐसे थोड़ी होगा, जबरदस्ती बिल्कुल जबरदस्ती किया गया मेरा। जी देखिए, इनका यही कहना है कि जो है एसीपी को, महिमा प्लीज एक सवाल पूछेगा इनसे, केसावत जी से एक सवाल पूछेगा कि स्टूडियो से पूछा जा रहा है भाई, ये क्या जो बात निकलकर सामने आई है, एक ही कार में सवार थे जब एसीबी ने पकड़ा इनको? जी जब बताया गया है, मेरा से कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं मेरा कोई पूर्व में सवार थे जब एसीबी ने ट्रैप किया? नहीं, मैं घर पे था, मेरे कैमरे लगे हुए जिसको डीवार एसीबी लेके आई है,
और मेरा टाइम देखें, मैं खासाकोटी था 12 बजे तक। एसी भी है, वो हवा में कार्रवाई नहीं करती है, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बाकी हवा में की गई है, मैं आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये मेरे ऊपर जो कार्रवाई, मैं इनकी बात नहीं कहता, इन्होंने मेरे नाम आप उन तीनों से पूछेगा महिमा, उन तीनों से पूछेगा इनसे बात करने के बाद कि गोपाल केसावत जी कह रहे हैं कि आपको ये जानते ही नहीं है, उनसे पूछेगा क्या आप गोपाल केसावत को जानते हैं, पहले इनसे बात कर लीजिए आराम से। तो मैं बिल्कुल इसका दोषी हूँ, मुझे जबरदस्त जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, गोपाल जी का कहना है कि आप ये इनको आपको नहीं जानते। अभी मैं तो मिला नहीं हूँ, गोपाल जी को नहीं जानता, मैं इनको भी नहीं जानता, मैं किसी को जानता, एक दूसरे तीसरे से परिचित। न्यायालय पे पूरा भरोसा है, अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा मिल जाएगी। लेकिन आप मानते हैं कि जेसीपी ने कार्रवाई की है वो सही है, या फिर आप लोगों को भी कुछ कहना है इस पर? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं कहना है। आप तीनों एक 7.5 लाख रुपए आप लोगों के पास ही तो मिले हैं, 7.5 लाख रुपए 500 के नोट आप लोगों से ही तो मिले हैं। कुछ भी कहे, एसीपी जांच कर रही है, कोई बात नहीं, जो भी न्याय होगा हमें मंजूर है। 7.5 लाख रुपए जो है आप तीनों में बटे हैं? नहीं बटे सर, सीधे इनके पास ही गए मैडम, गोपाल जी के पास। तो अभी गोपाल जी के पास गए, आप ये कह रहे हैं? अपने अपने बचाव में सब लोग कहते ही हैं, कहता कौन नहीं है। जी जी, करिए बात यहीं से करिए, ये दे रहे हैं कुछ क्लू, दे रहे हैं बात कीजिए, नहीं से क्लू दे रहे हैं कुछ। नहीं मैं तो यही कह रहा हूँ कि ऐसे भी बढ़िया जीरो से मतलब इसको जांच करे, जो भी दोषी है उनको सजा दे जाए। 8.5 लाख रुपए पहले ले लिए थे आपने, बता दीजिए जरा। ये मेरे को बोले कि कोई मेरा पैसा आ रहा है आप ट्रांजैक्शन कर लेना और मैं उसमें चावल का काम करूंगा। 7.5 लाख रुपए मेरे पास कोई नहीं पाया, पैसा भी नहीं पाया, मेरे पास एक रुपया ही नहीं मिला मेरे से। हमें एसीबी पे और न्यायालय पे पूरा भरोसा है और अनुसंधान। आप लोगों ने कुछ किया है, कुछ रुपए लिए हैं या फिर कोई गलत काम किया है, घूस देते हुए आप लोग पकड़े गए, ट्रैप किया है सर एसीपी ने, कुछ तो उनके पास भी सबूत है। हमें एसीबी पर और न्यायालय पे पूरा भरोसा है। आप लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है, किस वजह से आप लोग आज यहाँ पर है, कोई रीजन तो होगा, कोई कुछ तो बताया होगा एसीपी ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया? मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए सभी के अलग अलग मत हमें यहाँ देखने को मिल रहे, सभी का कहना है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन सभी लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। वही गोपाल केसावत ने भी यही कहा कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, राजनीतिक करियर खराब करने के लिए एसीपी ने यह कार्रवाई की है। अब आने में जब जो है बजरंग जी ही बता पाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या कुछ जो है किया जा रहा है। महिमा बिल्कुल ये टीम दिखाई दे रही है, लेकर भी जाए, कोशिश करें अगर हो पाए। बिल्कुल नहीं नहीं, जा रहे हैं आप प्लीज शॉर्ट विजुअल लीजिए, और गोपाल केसावत जी से एक बार जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा कि जो स्काई ब्लू वाली शर्ट वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि 7.5 लाख रुपए गोपाल केसावत के पास मिले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताजा तस्वीरें ये जो आपके साथ जी देखिए बिल्कुल, वो अब अंदर जा चुके हैं तो अब उनसे बात कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि अंदर परमिशन नहीं है जाने की। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, अब अंदर उनसे जो है पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही कुछ जो है बजरंग जी से बातचीत करने के बाद पता चलेगा आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कुछ जो है इस पर अपडेट होगा। बिल्कुल आप तस्वीरें दिखाते रहिए, यहाँ से मैं जानकारी दे रहा हूँ महिमा, और कोई व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनसे बयान ले सकते हैं तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमारी महिमा चौधरी संवाददाता ने एक्सक्लूसिव यहाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए तस्वीरें आपको दिखाई, उन चार आदमियों को दिखाया जिन पर ये आरोप लग रहा है कि इन्होंने मिलकर 7.5 लाख रुपए आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आरएएस परीक्षा के लिए लिए हैं। हमारी सीट होती है उनको चेंज करके और पैसे की मोटी रकम लेकर ऐसे कैंडिडेट को भर्ती कर रहे थे जिनका हमें पता चला, और हमारा एक रिश्तेदार विकास जो ईओ के लिए उसने फार्म भरा था उसकी परीक्षा हुई थी, तब उसके पास कोई बंदा संपर्क में आया और कौन था बंदा वो? ये जो अभी पकड़ा गया है। आप उस बंदे को कब से जानते थे और किस तरह से आपसे उसकी मुलाकात हुई ईओ भर्ती परीक्षा में पास करवाने को लेकर? उसकी मुलाकात यहाँ सचिवालय के अंदर हुई, सचिवालय में वो रहता था, और कि हम इस प्रकार से अच्छी वाला का वो कर्मचारी था या फिर कोई अधिकारी था? वो पुराना रिटायर्ड है कोई, और सचिवालय में उसका यहाँ आना जाना था
और जैसे ही हमें पता चला हमने सूचना दी एसीबी को और एसीबी उसने 40 लाख रुपए की डिमांड की और 40 लाख रुपए हमने सोचा कि इनको 40 लाख रुपए नहीं देंगे, इसका पूरा भंडाफोड़ करेंगे, इनको पकड़ाएंगे रंगे हाथों। तो हमने 18,50,000 रुपए की हमारे से व्यवस्था हुई, एसीबी सीकर को हमने इसकी सूचना दी। राजेश जी जांगिड़ के नेतृत्व में पूरी टीम चल रही थी और एसीबी इस पूरी कार्रवाई के ऊपर लगी हुई थी। पिछले 3 दिन से एसीबी रात और दिन इस पूरी कार्रवाई में लगी हुई है और धीरे धीरे इसमें आगे अभी तो और भी काफी खुलासे होने हैं। आज आपको मीडिया को पता चल गया क्योंकि आरपीसी के अंदर इतना बड़ा घपला हो रहा है, वहां जो बेरोजगार नौजवान जो साथी हैं उनके साथ इस प्रकार का, जो गरीब व्यक्ति है जो पढ़ के अपनी मेहनत के बल पर जो आईएएस या आरएएस या ईओ जो लगना चाह रहे थे उनको परे करके और एक भ्रष्टाचार से उनकी ओमआर शीट को बदलकर इस प्रकार से भर्ती करने का यहां सिस्टम चला हुआ था, उसको पकड़वाने का हमने कार्य किया है। उसमें बताते हैं, मैं तो उनको जानता नहीं, तो पूरे राज्य मंत्री बताया यहाँ राजस्थान सरकार में, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले से मेरा कोई मतलब नहीं। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है एसीबी के पास, हमने पूरी एसीबी लगातार 3 दिन से टेप रिकॉर्ड कर रही थी। वो मोबाइल फोनों से अपने व्हाट्सएप कॉल से बात कर रहे थे और एसीबी अपने जो उनके पास डिवाइस है। महिमा जैन, आज का घटनाक्रम पूछिएगा इनसे, आज का घटनाक्रम कैसे पकड़ा इनको? उन्होंने बताया कि राशि मैंने तो ली नहीं। देखो जी, ऐसा है, आज वाले उस मामले में मैं साथ ही था और एसीबी की टीम साथ थी, तो जैसे ही वो बंदे जो उनके थे वो पैसे देने के लिए गए, उसके घर के बाहर टीम बैठी हुई थी, वो बाहर आया करीब 5-7 मिनट बाद, आगे खुद केसावत साहब ने वो पैसे गिने हैं, पैसे गिनते गिनते लास्ट में कुछ ये बोला कि कुछ नोटों में मेरे को फर्क लगता है, ये गलत कैसे लग रहे हैं, कि हो सकता है डमी नोट हो। तब जैसे ही एसीबी को पता चला, एसीबी वहां पहुंच गई और उसको पकड़ा रंगे हाथों, मेरे सामने उसके हाथ पाउडर उसको धुलाए गए, उसमें रंग आया है बिल्कुल, पूरी कार्रवाई एकदम वो ही, लेकिन वो जानबूझ के वो अब ईमानदार बनना चाहता है, गलत बात है। हाँ बिल्कुल पकड़ा जी। देखो इस बारे में तुम्हें पता ही नहीं, अभी पता चला है कि वो पहले कोई बोर्ड का या राज्य मंत्री का उसका दर्जा था और वो कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है, पंजाब के 2 जिलों का वो प्रभारी भी बताया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार से भ्रष्टाचार करके एक बेरोजगार युवकों के साथ जो अन्याय अत्याचार अगर वो कर रहा है तो ऐसे नेता को भी इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए, मैं तो यही कहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करता हूं कि आपने जो एसीबी को जो खुली छूट दी उसके लिए तो हम बड़े संतुष्ट हैं, उनको सलाम करते हैं। एसीबी ने लगातार 3 दिन से प्रयास करके उसको किया, लेकिन मुख्यमंत्री साहब से मेरा निवेदन है कि आरपीसी के अंदर जो केशव साहब से जो बात हो रही थी, जो इसकी चैट है पिछले दिनों से, आरपीसी के कौन कौन वो मेंबर थे जिनका, हालांकि मेरे को 2-4 का पता है, अभी मैं खुलासा नहीं करूंगा, उन तक पहुंचना जरूरी है, वो गिरफ्तार होने जरूरी है, उन्हें कितने फर्जी तरीके से क्या लगता है आरपीसी में जो गोपाल के साथ इसकी साजिश है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, वो एसीबी के पास सबूत आए हुए हैं और लगता है 1-2 दिन के अंदर और बड़ी कार्रवाई होगी इस मामले में। बजरंग जी, गोपाल केशावत ने क्या किसी और लोगों से भी पैसे लिए हुए हैं क्या? जब हमारा परिवाद दर्ज हुआ, लगातार से हम सिकर के अंदर डेरा डाले हुए हैं, हम घर नहीं गए हैं। आपको पता है कि आपके अलावा किसी और से भी ठगी का मामला जो है आपके सामने आया? इन्होंने ये कहा हमें कि हमने 5 तो आरएएस अफसर लगवाए हैं और इस भर्ती के अंदर भी 4-5 इनके ईओ भर्ती होने थे और शायद सामान्य वर्ग के 35 के करीब पोस्ट थी, इसका रिजल्ट ही सभी के 40-40 लाख रुपए वहां पहुंचने के बाद जारी होगा, तब तक इसका रिजल्ट रोका हुआ है। बिल्कुल, देखिए इनका ये कहना है कि हमने एसीपी ने जो है गोपाल कुछ केशावत को जो है रंगे हाथों पकड़ा है, जब वो नोट गिन रहे थे तब वहां पे एसीपी गई है, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग की गई है, प्रॉपर सबूत जो है एसीपी के पास है। तो अब थोड़ी ही देर में हमारे पास जो है हमारे साथ बजरंग सिंह जी होंगे और वही मामले के बारे में बता पाएंगे कि आखिर क्या मामला है, कैसे वो जो है उन्होंने ट्रैप किया है और अब आगे की क्या कार्यवाही रहने वाली है। बिल्कुल महिमा, आपने ये पूरी जानकारी और बातचीत अब तक की यहाँ पर देखी और सुनी और जाहिर तौर पर ये बड़े इल्ज़ाम यहाँ पर लगाए गए हैं, कैसे ये पैसे लिए गए और रंगे हाथों सब कुछ यहाँ हुआ, भले ही अभी गोपाल केशावत मुकर रहे हों, इससे इनकार कर रहे हों, अभी ये एसीबी ऑफिस में आगे उनको लेकर गए हैं, किस तरह से भी कार्रवाई आगे होगी, क्योंकि सारा जो रंगीन पानी है, पैसे है, उसको तो एक दस्तावेज के तौर पर अभी सील किया जा रहा है, अभी आपको जो जानकारी लग पाई महिमा, कहाँ लेकर गए हैं और क्या आगे प्रोसेस होगा?
जी देखिए बिल्कुल अभी एक रूम के अंदर उनको ले जाया गया है जहां पर उनकी अब पूछताछ की जाएगी और आगे की जो है पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। उन लोगों को एक जगह अभी अंदर कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। थोड़ी ही देर में जो है बजरंग सिंह जी आएंगे और बाकी की आगे की कार्रवाई को जो है अंजाम देंगे। और आप को लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और ऐसी कार्रवाई जो है क्या बोलते हैं एसीबी की तरफ से लगातार की जाती है और अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत क्योंकि रात्रि में उसके बाद में मैंने कहा कि मैं ये पैसे मैं नहीं लूंगा और ये पैसे में किसी आगे बोर्ड का अध्यक्ष गोपाल केसावत उनके लिए पैसे दे रहा हूँ क्योंकि उनके मोबाइल में कुछ चैट्स भी उपलब्ध थी। उसी आधार पे हमने उसका सत्यापन करवाया और आज हमारे श्रीमान डीजी